डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, आई एम स्टार्टिंग योर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, लाइट साउंड एंड फोर्स एनर्जी। देखो, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हमारी अलग अलग टाइप की एनर्जीज क्या होती है, एनर्जी क्या चीज होती है, लाइट क्या है, साउंड क्या है, फोर्स क्या है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है आपका लाइट। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी कैन सी थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज अ लाइट। द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। प्लांट्स ऑल्सो कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट लाइट। दिस शोज दैट वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन लाइट फॉर ऑल द नेसेसरी एक्टिविटीज। देखो, लाइट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी चीज को बिना लाइट के तो देख नहीं सकते। हमारा जो वी कैन सी द थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज लाइट, जब मतलब लाइट होगी तभी तुम्हें कुछ नजर आएगा ना। अगर आप रात को बिल्कुल अंधेरे में उठ जाओ, सारी लाइट्स आपकी बंद हैं, आप बंद रूम में बैठे हो, है ना, तो आपको क्या कुछ नजर आएगा। तो हम बिना लाइट के कुछ भी नहीं देख सकते। लाइट इज द नेसेसरी थिंग टू सी द थिंग्स, इज ए नेसेसरी एनर्जी, इज ए नेसेसरी थिंग दैट मेक्स अदर थिंग्स टू सी। तो बिना लाइट के हमें कोई भी चीज नजर नहीं आ सकती। और सबसे बड़ा सोर्स जो हमें दिखता है लाइट का और नेचुरल सोर्स, वो है हमारा सन। सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सुबह के टाइम जब सन निकला होता है तो लाइट ही लाइट होती है। ठीक है, तो हमें और किसी आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट ऑल्सो कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट लाइट। प्लांट जो है वो बिना लाइट के फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। प्लांट को अपना फूड बनाने के लिए लाइट की जरूरत है। ठीक है, प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं और उनसे ही हम फूड लेते हैं। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। लाइट जो है वो हमें वो चीज है, लाइट वो एनर्जी है जो हमें देख दिखाती है हर चीज को। वी कैन सी ऑल द थिंग्स ओनली व्हेन देयर इज अ लाइट। और सन नेचुरल और बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एक्टिविटी। थ्रो टॉर्च लाइन ऑन ए वॉल स्टैंडिंग क्लोज टू इट। Now move away from the wall, the lighted area gets larger and dull. This experiment shows that in the same manner, through the sun shines at a distance but can spread its light all over the earth. देखो, आप एक काम करो, एक टॉर्च ले लो और पास में खड़े होके किसी भी दीवार के पास में खड़े होके उसके ऊपर लाइट डालो। ठीक है, तो लाइटेड एरिया जो होगा वो आपको नजर आएगा। ठीक है, आपको लाइटेड एरिया नजर आएगा, आपको लार्ज एरिया में लाइट फैली हुई नजर आएगी एंड डल। ठीक है, तो टॉर्च लाइन ऑन अ वॉल स्टैंडिंग क्लोज टू इट, नाउ मूव अवे फ्रॉम द वॉल, द लाइटेड एरिया गेट्स लार्जर एंड डल। अगर आप नजदीक खड़े होते हो तो कम एरिया पे लाइट जाएगी। ठीक है, दीवार के पास में खड़े होके टॉर्च की लाइट दीवार के ऊपर डालो तो कम एरिया में लाइट जाएगी। अब आप थोड़े थोड़ा दूर होते जाओ, जितना दूर होते जाओगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा लाइटेड एरिया बढ़ता जाएगा। टॉर्च आपने उसी दीवार के ऊपर, उसी वॉल के ऊपर आप फोकस कर रहे हो। ठीक है,
जितना पास में होगे उतना ज्यादा कम एरिया कवर होगा और लाइट ज्यादा नजर आएगी। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, एरिया तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो रेज जो होंगी वो दूर तक फैलती जाएंगी टॉर्च की दीवार के ऊपर, लेकिन एरिया डल होता जाएगा, आपको क्लियर नजर नहीं आएगा दीवार के ऊपर जितनी ज्यादा दूर जाते जाओगे, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है आपको कि सन भी इसी तरह से ही आपका शाइन कर रहा है, ठीक है। सन आपसे बहुत दूर है, एट ए डिस्टेंस है, लेकिन उसकी लाइट जो होती है वो स्प्रेड कर जाती है, फैल जाती है ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। बट सन इज ए वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ लाइट, सन जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। उसकी रेज भी, क्योंकि वो हमसे बहुत डिस्टेंस पे है, उसकी रेज जो है वो ऑल ओवर द अर्थ, पूरी धरती के ऊपर, पूरे अर्थ के ऊपर फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, एज इट इज शाइनिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत दूर से। वट इज शेडो, द शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन द पाथ ऑफ लाइट गेट्स ब्लॉक्ड। शेडो कब बनती है, जब पाथ ऑफ लाइट जो है आपकी किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, मतलब उसका उसके आगे कोई रेस्ट्रिक्शन आ जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। द सॉलिड थिंग्स कैन ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, व्हेन सॉलिड थिंग्स ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट देयर शेडो इज फॉर्म्ड। देखो सॉलिड थिंग्स कैन ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब आपके पास से लाइट आ रही है उसके बीच में कोई सॉलिड थिंग आ जाए, कोई बड़ी सी सॉलिड चीज आ जाए, ठीक है, तो वो आ रही लाइट को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी, रोकेगी, तो उससे क्या होगा, व्हेन द सॉलिड थिंग्स ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट देयर शेडो इज फॉर्म्ड, तो उसकी शेडो बन जाती है। तो जो भी सॉलिड थिंग लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसके पाथ को रोकने की कोशिश कर रहा है, वो शेडो फॉर्म कर देगा। जैसे ये देखो ये बॉय खड़ा है, ठीक है, सन आया, सन निकला हुआ है, सन की लाइट के सामने ये बॉय खड़ा हुआ है, तो इस बॉय की शेडो ऑन अर्थ बन रही है। तो कोई भी सॉलिड थिंग जो पाथ ऑफ लाइट में आता है उसकी शेडो फॉर्म हो जाती है, ठीक है। शेडो देखो क्या होती है, ब्लैक कलर की। फ्यू ऑफ द थिंग्स अलॉट टू लाइट टू पास थ्रू देम, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, दीज थिंग्स आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं, बहुत कम चीजें होती हैं जो अपने अंदर से लाइट को पास होने देती हैं। जैसे ग्लास, आप शीशे का ग्लास ले लो, उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक डाली है या पानी डाला है, नजर आता है ना बाहर से, ठीक है, तो थ्रू ग्लास यू कैन सी, ग्लास के बाहर, ग्लास की दूसरी साइड आप देख सकते हो, तो ग्लास के आप दूसरी साइड देख सकते हो, तो इट मीन्स ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो अपनी, है ना, तो गाड़ी में ग्लासेस लगे होते हैं ना, ग्लास लगा होता है, तो आप उसकी दूसरी साइड देख पाते हो, तो ग्लास एक ऐसी ट्रांसपेरेंट थिंग है जो आपको दूसरी साइड भी दिखा सकती है, क्योंकि लाइट इसके अंदर से पास ऑन हो जाती है। तो जिन चीज़ों में से लाइट पास ऑन हो जाती है उन्हीं को हम ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस बोलते हैं, द थिंग्स आर सेट टू बी ट्रांसपेरेंट। एक्टिविटी, थ्रो टॉर्च लाइट ऑन अ वॉल, कीप योर हैंड बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, यू विल सी दैट द शेडो ऑफ योर हैंड इट इज ऑफ द सेम शेप एज योर हैंड, the shadow becomes bigger or smaller as your hand come closer to the light or moves away from the light respectively। देखो आप क्या करो, एक टॉर्च ले लो और उसकी लाइट दीवार के ऊपर डालो, थ्रो द टॉर्च लाइट ऑन अ वॉल, अब कीप योर हैंड बिटवीन द टॉर्च एंड वॉल, अब क्या करो अपना हाथ जो है वो टॉर्च और दीवार वॉल के बीच में ले आओ, ठीक है, जहाँ एक हाथ में आपने टॉर्च पकड़ी हुई है, सपोज लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई है, और उसकी लाइट आप दीवार के ऊपर डाल रहे हो, तो दीवार और टॉर्च के बीच में अपना राइट हैंड ले आओ, यू विल सी द शेडो ऑफ योर हैंड, अब क्योंकि लाइट के पाथ में आपका हैंड आ गया तो आपका हैंड क्या कर रहा है, उस लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो जो चीज भी
लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, उसकी शेडो बन जाती है। तो आपका हैंड जो है वो टॉर्च की लाइट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके हैंड की जो शेडो होगी वो दीवार के ऊपर बन जाएगी। अब जो शेडो बनेगी उसको ध्यान से देखो, ये बिल्कुल आपके हैंड की शेप की है, ठीक है। और ये शेडो बड़ी और छोटी हो सकती है, कैसे? अगर आप अपना हैंड जो है वो कम क्लोजर टू द लाइट लेकर आओ, ठीक है। जितने हाथ को आगे या पीछे करोगे लाइट की तरफ, ठीक है, लाइट के पास, टॉर्च लाइट के पास लेकर आओगे, टॉर्च लाइट से दूर लेकर जाओगे, शेडो की लेंथ जो होगी वो छोटी या बड़ी हो जाएगी। तो शेडो ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडो कैन बी चेंज बाय ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट नियर और फार अवे फ्रॉम द लाइट। तो जहां से लाइट आ रही है, जो सोर्स ऑफ लाइट आ रही है, जो चीज उसको ब्लॉक कर रही है, वो अगर उसके नजदीक जाएगी या उससे दूर जाएगी, उस हिसाब से उसकी शेडो जो होगी वो छोटी या बड़ी हो जाती है। तो दिस शोज़